अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसबा और आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूं, अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट लिया है, उसको मैंने देखें इतने पतले स्लाइस में मैंने इसको कट किया है। अब हैमर की मदद से मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट करूंगी। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, इस बॉल में मैं डालूंगी चिकन के सारे पीस। ये बहुत मज़े का जूसी चिकन बनने वाला है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी चिली सॉस, 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी टिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले लें, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इस चिकन को अच्छा सा मिक्स कर देंगे। यहां पर मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी ये वाले चिकन के पीस। चिकन हमारा रेडी हो रहा है। मैंने यहाँ पर एक देगची ली है, इसमें मैंने पानी गर्म करने रखा है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ली है 1 प्याली मैक्रोनी, मैं डाल दूँगी। चिकन हमारा पक रहा है और ये मैक्रोनी भी हमारी अच्छी से बॉयल हो रही है। देखिए पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसको इस पानी से निकाल लूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। चिकन हमारा अच्छा सा कुक हो गया है, अब मैं ये देखिए टूट रहा है, अब मैं इस फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून मैं इसमें बटर ऐड कर दूंगी। जो ये चॉप किया हुआ लहसुन है ये 1 टेबलस्पून है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा सौदे करेंगे। लहसुन हमारा अच्छे से सोते हो गया, अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप दूध में इसमें शामिल करूंगी और यहाँ पर मैंने 1/2 कप ये मिल्क पैक बनाई है, आप कोई भी पैकेट की ले लें, इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत मज़े का क्रीमी सा इसका टेस्ट आता है और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून ओरिगानो, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इन सबको करेंगे अच्छा सा मिक्स। देखिए चिकन भी हमारा कितना अच्छा सा रेडी हो गया है, तो मैं छोटा छोटा कट कर लूंगी। सॉस हमारी अच्छी से तैयार हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने बॉयल किया हुआ पास्ता, अब इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून पानी शामिल किया, अब ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और जो चिकन मैंने यहाँ पर भी काट के रखा है ये इसके अंदर डाल देंगे। इसमें मैं शामिल करूंगी चीज़ के स्लाइस,
चार चीज के स्लाइस में इसमें शामिल करूंगी। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। पास्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितना जूसी और यमी सा हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार है। ये गरम गरम ही खाया जाता है, आप बनाएं उसको फौरन खाएं, क्योंकि जब हम इसको रख देते हैं फिर ये ड्राई हो जाता है, इसलिए इसको जब बनाते हैं तो इसको गरम गरम ही खाते हैं। अब जो चिकन के पीस मैंने तैयार किए थे वो मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। यमी सा मज़ेदार हमारा अल्फ्रेडो पास्ता तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।